अभी अभी सो के उठी है ना, तो इसलिए अभी देख रही क्या हमारे कैमरा फोन लगा दिया मुंह पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो यार, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आना था, पर वो मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सका क्योंकि एयरफोर्स ने मेरा जो एडमिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये एग्ज़ाम जो है जुलाई में कंडक्ट होगा। वैसे तो ये एग्ज़ाम जो है मार्च में कंडक्ट होना था, पर कोरोना वायरस की वजह से इस एग्ज़ाम को डिले कर दिया गया। तो यार, पता नहीं मेरे फॉर्म में क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से मेरा एयरफोर्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से मना कर दिया गया है। और आज इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी दुखी हूँ। तो यार, चलते अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको पीयू को दिखाता हूँ, पीयू क्या कर रही है। देखो, पीयू अपने काम में बिजी है। पीयू अपना कुछ काम कर रही है, देख लो पीयू, ये देखो। तो पीयू अपने काम में मस्त है, उसे किसी से मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो पीयू मेरे पास आ गई है क्योंकि काफ़ी रो रही है, अभी से भूख लग रही है, दूध पी के सोई गई है। तो अभी मैं नहा के आया हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मुझे जल्दी नहाना पड़ा आज। और मैं आपको पीयू को दिखाता हूँ कि पीयू क्या कर रही है अभी। तो ये रही पीयू। पीयू अभी सो के उठी है जस्ट। और पीयू कैमरे में हाय करो, हाय बोलो। अभी अभी सो के उठी है ना, तो इसलिए अभी देख रही क्या हमारे कैमरा फोन लगा दिया मुंह पे। तो गाइस, पीयू अभी मेरे साथ खेल रही है, देखो स्टडी बियर के साथ खेल रही है। और जब भी ये कभी बाहर जाती है तो लोग इसे कहते हैं कि ये तो फॉरेन से आई है, मतलब विदेश से आई है, ये इंडिया की नहीं है। तो देखो, ये अपने आप खेलती रहती है पूरे दिन। पीयू कैमरे में हाई करो एक बार, हाय बोलो, मुझे मार रही है अभी, करो हाय, टैडी दिखाओ। ये अपना आप ही ऐसे खेलती है पूरे दिन, और बस जब उसे भूख लगती है तो दूध पीती है, सो जाती है ये। डिग 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 करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा एयरफोर्स का एडमिट कार्ड कैंसिल हो गया है, पर कैंसिल नहीं हुआ है। अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली है, मैंने अपने दोस्त से पता कराया है और उसे मैंने अपनी पासवर्ड और ईमेल आईडी दी थी, तो उसने करके पता बताया तो उसका मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। और मेरा एग्ज़ाम जो है 12 तारीख को है कानपुर, तो मैं यहाँ से 10-11 में ही जाऊँगा क्योंकि एक दिन पहले ही पहुँचना पड़ेगा एग्ज़ाम से। वहाँ पे काफ़ी दूर है मेरठ से कानपुर, लगभग 500 किलोमीटर है, तो 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम है, टाइम से ही पहुँचना होगा, ऑन टाइम ही जाना होगा। और मैं आपको बता दूँ कि अभी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड रहेगा 10-12 दिन, क्योंकि अब तो पढ़ना ही पढ़ना है रोज़, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। और तो करते अपना व्लॉग कंटिन्यू आगे। मैं आगे हूँ अभी छत पे, मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई थी तो मुझे लगा थोड़ा घूम लेना चाहिए, तो मैं छत पे आया हूँ अभी। और धूप बहुत तेज़ है क्योंकि अभी शाम के बजे है 5, धूप काफ़ी तेज़ है। और उसके बाद अब मैं नीचे जाके पीऊँगा चाय, क्योंकि भाई एक माइंड को मतलब रिलीफ करने के लिए मतलब तो ये लेना पड़ता है चाय, तो मेरी आदत में मतलब यूज्ड हुआ चाय का। तो मैं तो अब नीचे चल के पीता हूँ चाय, और फिर जो भी कुछ है मैं दिखा दूंगा आपको व्लॉग में। मैं आ गया हूँ नीचे रसोई में, किचन में, और अभी चाय बन रही है। अंजू दीदी अभी चाय बना रही है, तो पहले पीते हैं चाय, फिर करते हैं व्लॉग कंटिन्यू, ठीक है। तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहे। चाय पी ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पीहू क्या कर रही है। पीहू अपनी मम्मी को ढूंढते हुए इधर आई है, ये रही पीहू, देखो पीहू भागी गई गई, देखिए गई। तो मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, घर के बाहर खड़े हुए, देखता हूँ क्या सीन है आज। तो मैं आ गया हूँ घर के बाहर। कल यहाँ पे जो है अपना जो कैरी करने वाला आया था, कल उसको ठीक कर गया भाई, सारी नला दी है मतलब मिट्टी को, मतलब जो कितनी भी घास फूस होगी सब ख़त्म कर दिया है। और अभी आप देख सकते हो यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखता रोड पे, शाम के 6 बजे भी करीबन कोई नहीं दिखता यहाँ पे। और गांव में तो इस टाइम तक सब लोग भीड़ एक दूसरे घर आ जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सिटी में, तो इसलिए यार मेरा सिटी में इतना मन नहीं लगता है। तो फिर दूसरी बात ये है कि मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ या अपने रिलेटिव्स के घर जाता हूँ, कहीं भी घर जाता हूँ, तो मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता, क्योंकि मेरा 2 या 3 दिन में वहाँ से मन भर जाता है और फिर अपने घर की ओर चलने को मन करता है। तो मेरे साथ ऐसे ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो फिकल टाइप का हूँ मैं। और जो कुछ भी है, मतलब यार अपना लाइफ में घूमना फिरना अच्छा लगता है मुझे, और
आप लोगों को बहुत से लोगों को लगता होगा घूमना फिरना अच्छा। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है, बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जाना है दूध लेने, पर आज मैं नहीं जाऊँगा, आज साई जी जा रही है दूध लेने, वो कह रही है कि मैं आज थोड़ा पैदल चल लूँगी तो मेरा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, तो आज मैं नहीं जा रहा हूँ, साई जी पैदल जा रही है। तो यार आज का ब्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ये चीज़ें तो भूले ना भाई, ठीक है, तब तक के लिए बाय।